अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। परचाई जी, आप ना अपनी सारी टेंशन भूल जाओ। क्या कहा था मैंने, कुंडलियां कभी गलत नहीं होती। शिव की जिंदगी में कुड़ी तो ऑलरेडी आ चुकी है। परचाई जी, मैनू लगता है कि ओ कुड़ी ना ईशानी है। ईशानी? शिव, मुझे नहीं पता कि ये सही है या गलत। मैं जानती हूँ कि आपको नहीं पता गरीबी क्या होती है। ये ब्रेसलेट भले ही एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन इस ब्रेसलेट में किसी के सच्चे दिल से दुआ निकली है। अगर तुम पहनोगे तो उसे अच्छा लगेगा। मैं जानता हूँ गरीबी क्या होती है। इन वादियों में टकरा चुके हैं हमसे मुसाफिर, यूं तो कई दिल ना लगाया हमने किसी से, किससे सुने हैं यूं तो कई। ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है यार क्या है। ऐसे तुम मिले हो, ऐसे तुम मिले हो जैसे मिल रही हो इत्र से हवा। काफिराना सा है इश्क है यार क्या है। बेसुआदियों में जैसे मिल रहा हो कोई जायका। काफिराना सा
इश्क है या क्या है। परचाई जी, ये सब ना शिव की कुंडली दा खेल है। जरा सोचिए, जगराते से लेकर अब तक माता रानी ने दोनों को कितनी बार एक दूसरे से मिलवाया है। और परजाई जी, वो भूल गई जब सिंदूर से सजे पांव पड़े थे उस कुड़ी के साड़े घर में। मैंने तो तभी कहा था कि शिव की लाइफ में कुड़ी ऑलरेडी आ चुकी है। ये माता रानी की मेहर ही तो है। हाँ, वरना सोचिए, शिव उस कुड़ी नू क्यों बचाने जाता। हाँ शशि, बात तो बिल्कुल सही है। और जहां तक मैं शानी को जानती हूँ, सोनी और सिंपल लड़की है। हमारे शिव और ईशानी की जोड़ी अच्छी बनेगी। ये मैं क्या सुन रही हूँ, शिव ब्रो के साथ वो अर्बन क्लीन वाली ईशानी मॉम, वो हमारी सोसाइटी और लाइफस्टाइल में एडजस्ट कर पाएगी? तू चुप कर, हम भी तो वही जिंदगी जीकर यहाँ तक पहुंचे हैं ना। और अगर हमारे शिव की जिंदगी में उस लड़की से मिलना लिखा है तो अच्छा ही होगा ना। और शशि, मेरा बस चले ना तो मैं चट मंगनी पट ब्याह कर दूं। चल चल, बाहर चलकर मिलते हैं ना ईशानी को। चलो। अच्छा, ईशानी शिव ब्रो के साथ। आंटी वो अब एक मिनट बेटा। जी जी रामानंद जी। अब ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोई और अरेंजमेंट तो हो सकता है ना। ओके। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।